हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी गाइस, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करूंगा आपके सामने फैक्ट के साथ और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। तो तुरंत देख लेना और जो भी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी गाइस। NDA 1-2 का जो एग्ज़ाम है, साथ ही साथ जो NEET और JEE का एग्ज़ाम है, उसके लिए फाइनल डिसीजन हो चुका है, यानी कि एग्ज़ाम होगा या फिर पोस्टपोन किया जाएगा, वो चीज़ें हो चुकी हैं कंफर्म और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी और नीट के बारे में। तो ये जो एग्जाम है, सबसे पहले जी तो है जी मेन 1 से 6 के बीच में, और जो नीट का एग्जाम है वो 13 सितंबर को है। तो ये जो दोनों एग्ज़ाम हैं वो 100% होंगे, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं दिख रहा है पोस्टपोन होने का, तो ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करें अगर NDA 1 और 2 के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 6 सितंबर को होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम के लिए भी अपडेट आ चुकी है और फाइनल अपडेट यही है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 6 सितंबर को ही होगा। अब कैसे होगा ये नहीं पता है, लेकिन 6 सितंबर को ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इनकेस अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से वेट कर रहे हैं कि क्या पता एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए और अभी आपको और टाइम मिल जाए, तो प्लीज आप तैयारी शुरू कर दो। अगर और गाइज ये फाइनल है कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि NDA 1 और 2 का एग्जाम देने वाले हैं और जुड़े हुए हैं मेरे साथ और काफी टाइम से पूछ भी रहे थे, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल है। अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो बहुत ज्यादा गंदगी है और बहुत चीजें हो रही हैं, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब अपनी तैयारी पर ध्यान देना है और जो भी चीजें हैं वो कन्फर्म है। अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं बताऊंगा आप लोगों से, लेकिन अभी के लिए ये क्लियर है। तो ये जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अब आपका काम क्या है, आपको तैयारी करना है, अपनी तैयारी पे फोकस करो क्योंकि लास्ट का कुछ टाइम है और वैसे भी एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम का कोई भी चांस बनता है यहाँ पे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आराम से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको अच्छे से पढ़ लो। मैं वैसे टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसका, वहां पे डाल दूंगा क्या है, कैसे आपको फॉलो करना है उन गाइडलाइंस को, क्या चीज़ें हैं, कैसी डिटेल्स हैं और सब कुछ उसमें दिया गया है। तो काफ़ी सारी गाइडलाइंस है जो कि जारी की गई हैं ऑफिशियली UPSC के द्वारा, तो उसको आप देख सकते हैं और उसको आपको फॉलो करना होगा अपने एग्ज़ाम में। तो ये डिटेल्स हैं, अब आप अपनी तैयारी करो, स्ट्रेस मत लो, जो भी आगे होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।